सिरोही जिला मुख्यालय के समीप पंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र में सीजन की पहली बारिश होने से रेलवे तथा प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि डीएफसीसी द्वारा निर्मित रेलवे अंडर ब्रिज में तकनीकी खामियों के कारण पानी की निकासी सही ढंग से नहीं होने से पानी भर गया है, जिसके कारण जनता परेशान हो रही है। वहीं अभी गुड्स के ट्रायल को लेकर पंडवाड़ा शहर को दो भागों में बांटने वाले रेलवे फाटक को भी अस्थायी रूप से बंद किया हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने के लिए केवल एकमात्र इन्हीं रास्ते का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में पानी भर जाने से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है तथा लोगों को बारिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या को लेकर रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया, कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थानीय प्रशासन के प्रति जनता में भारी आक्रोश है। क्या है रे?